मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से उपभोक्ता परेशान नजर आ रहे हैं। जहां एक और आम आदमी महंगाई की चौतरफा मार से परेशान है, वहीं अब पेट्रोल डीजल के भाव भी आम उपभोक्ता को परेशान कर रहे हैं। शनिवार को भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज अनूपपुर में सबसे महंगा 117 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर की दर से पेट्रोल बिक रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की, तो यहां भी पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इंदौर में पेट्रोल 114 रुपए 14 पैसे, डीजल 103 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। देश में रोजमर्रा की जरूरी सामानों की जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इससे आम उपभोक्ता के बजट पर काफी भार पड़ा है। वहीं बात करें पेट्रोल डीजल की, तो रोजाना पेट्रोल डीजल में भाव में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अब आम उपभोक्ता परेशान नजर आ रहे हैं। पेट्रोल भरवाने आए उपभोक्ता का कहना है कि जहां एक समय 1500 रुपए में पेट्रोल का पूरा माह निकल जाता था, तो वहीं अब 4000 के करीब बजट पहुंच गया है। कुल मिलाकर उपभोक्ता का मानना है कि पेट्रोल को भी जल्द GST के दायरे में लाना चाहिए, ताकि आम उपभोक्ता को इससे रोजाना परेशान ना होना पड़े। कुल मिलाकर देश में कच्चे तेलों के दाम कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बजट बढ़ गया हर आम घर का, पेट्रोल को लेकर, हर चीज को लेकर। तो क्या लगता है कि कम महंगाई मतलब बढ़ती ही जा रही है? महंगाई तो बढ़ रही है ना, उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं गवर्नमेंट का। क्या लगता है कच्चा तेल के दाम भी कम हो गए, उसके बावजूद पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं, तो कहाँ ये त्रुटि? तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को मध्यम वर्गीय की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट का कहीं भी ध्यान नहीं है। आज दाल देख लो, तेल के भाव देख लो, सरसों का तेल देख लो, पेट्रोल देख लो, हर जगह महंगाई है। आप क्या जॉब करते हैं? मेरा सब्जी का व्यापार है, आलू प्याज का। रनिंग में तो पेट्रोल लगता ही होगा? रनिंग में पेट्रोल लगता है, पेट्रोल डीजल के ऊपर ही तो पूरी महंगाई डिपेंड करती है। यहाँ से भाड़े बढ़ गए हैं, भाड़े यहाँ से बढ़ेंगे तो माल की कीमतें बढ़ जाती हैं, उससे महंगाई बढ़ती है। आज आम घर का मतलब खर्चा 4 से 5 हज़ार रुपये महीने का बढ़ गया। जो पेट्रोल आदमी 1500 रुपये महीने का हो जाता था, आज वही पेट्रोल 3000 रुपये महीना डलवा रही है आदमी। 100 रुपये का पेट्रोल तो मालूम ही नहीं पड़ता है, मजबूरी आदमी को डलवाना ही है। डेट का क्या मतलब, जैसे अब इतनी महंगाई हो गई है तो मतलब इंसान क्या कमाएगा और क्या खाएगा? और फिर एक्चुअली जैसे कि पेट्रोल के जो भाव बढ़ रहे हैं, तो पहले आसमान छू रहे और इंसान मतलब इतनी इसकी इनकम नहीं है कि वो कर पाए इतना मैनेज। तो महीने का कितना मतलब बढ़ गया? मेरा महीने का लग जाता है 4000 समथिंग महीने का। और फिर बताना ये है कि अभी सैलरी इतनी है नहीं, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? कुल मिला के कच्चे तेल के दाम में कमी है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल के दाम प्रदेश में नहीं कम हो रहे हैं। तो हाँ, तरह से देखते हैं सरकार क्या चाहते हैं आपकी कम? सरकार से तो यही चाहते हैं कि थोड़ी सी राहत मिले पेट्रोल के दाम में। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।